गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी पावर यूनिट डिस्कस किया, ठीक है. उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी थी. आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, नया यूनिट, और वो है क्या, सर्कुलर मोशन. ठीक, सर्कुलर मोशन आज हम स्टार्ट करेंगे. सर्कुलर मोशन में सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी नए पैरामीटर्स यूज होने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा. मतलब आज का हमारा ऑब्जेक्टिव केवल इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस करने का रहेगा, ठीक है. तो बात करते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है. देखिए, सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या है बेटे, कोई भी पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन कब कहलाएगा, वो पार्टिकल इस तरह से मूव करें कि इसका एक सर्टेन फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस सेम बना रहे, ठीक है. पार्टिकल मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन फिक्स पॉइंट. द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल एंड द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, समझते हैं अपन, कि एक पार्टिकल से ये सेंटर मान लिया, एक पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया यहां से, ठीक है. ये एक पार्टिकल है, यहां से मोशन स्टार्ट करता है. अब अपनी ये कंडीशन ऐसे रखता है बच्चों कि इसका एक सर्टेन फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट सेम रहे, इसके पॉइंट. अब ये पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, तो बच्चों अगर इन दोनों पॉइंट्स, ये फिक्स पॉइंट और ये है मूविंग पार्टिकल पी, पार्टिकल को पी से बोल देते हैं, फिक्स पॉइंट को सेंटर ओ बोल देते हैं. ये पार्टिकल ऐसे मूव करना चाह रहा है कि इसका पॉइंट ओ से या सेंटर से जो है डिस्टेंस सेम बना रहा है, तो इस तरह से मूव कर रहा है. तो इसके पास एक ही ऑप्शन है बेटे, कि ये हर बार अगर ये देखेगा कि इसकी डिस्टेंस सेम रहे तो जो इसका पाथ आने वाला है बच्चों, वो क्या आने वाला है, सर्कुलर पाथ आने वाला है. समझना ही बात, यानी कि बेटे इस पार्टिकल का अगर अपन पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो पहले पोजीशन वेक्टर ये था, फिर इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से आएगा, और ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया. तो इस तरह के मोशन को अपन बोलते हैं बेटे क्या, सर्कुलर मोशन. द मोशन इन विच पार्टिकल मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों. अच्छा, ये कहलाता है बेटे इसका पोजीशन वेक्टर, से आर, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर से. ये क्या है बेटे, पोजीशन वेक्टर, इसको रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं अपन, ठीक. तो बेटे इस पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक. रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, द पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन फिक्स पॉइंट, ठीक. इसकी खास बात क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है, ठीक. तो बेटे सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे काफ़ी सारे नए पैरामीटर भी डिस्कस करने वाले हैं. जैसे आज तक अभी हम बात कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन लेवल की, है ना, डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है. तो देखो बेटे इस यूनिट में हम क्या चीज़ नई देखने वाले हैं ना, व्हाट इज द न्यू थिंग इन दिस यूनिट. आज तक आपको जो आता था बेटे वो आता था क्या, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटे वेलोसिटी, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन. इनके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वेलोसिटी को लिखना है तो डी एस बाय डी टी लिख देंगे, एक्सेलरेशन डी वी बाय डी टी लिख देंगे. बेटे ये जो तीनों पैरामीटर हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हम नॉर्मली जब यूज करते हैं बेटे क्या, ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है. लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम सर्कुलर मोशन में, तो हमें नए पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो सर्कुलर मोशन में जो नए पैरामीटर आने वाले हैं बेटे, ये तो थे ट्रांसलेटरी मोशन के पैरामीटर, ठीक है. कोई पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, लेकिन अगर अपन बात करें सर्कुलर मोशन के लिए, यही पार्टिकल जो है क्या बन जाए, यही जो फैक्टर्स हैं, यही जो पैरामीटर है, वो किस फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए बच्चों, वो बन जाएंगे क्या. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए, हमें इन तीनों पैरामीटर्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, इनसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन अपन कवर कर चुके हैं, बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसको समय को एक्सप्लेन या डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है अपने को, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग दीज थ्री न्यू पैरामीटर टू एक्सप्लेन द सर्कुलर मोशन। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, मान लेते हैं कोई भी ये ब्रिज है, इस तरह से कोई ऐसे कर ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पर एक से कोई भी कार ट्रैवल कर रही है, ये कार जो है बेटे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे जा रही है ये कार, यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पर ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखते हुए यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब हुआ क्या कि मान लेते हैं इस कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में डिस्टेंस एस ट्रैवल किया, जो टाइम लगा बेटे वो टाइम था टी, और वेलोसिटी भी क्या थी बेटे, कांस्टेंट थी, और वेलोसिटी हमेशा क्या रही, वी रही। यहाँ पर दो ऑब्जर्वर हैं, से पहला ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक, से ओ वन बोल देते हैं, दूसरा ऑब्जर्वर ओ टू यहाँ पे है। अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये पैरामीटर्स या थीटा को डिफाइन करने की जरूरत कहाँ आ गई, है ना। अब बेटे ऑब्जर्वर ओ ने देखा कि इस कार ने डिस्टेंस एस ट्रैवल्ड किया, ठीक है, ओ टू को भी लगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस किया, दोनों के हिसाब से टाइम टी लगा और दोनों की स्पीड क्या थी, दोनों के हिसाब से वी थी। लेकिन यहां पर एक क्राइटेरिया नजर आया कि जब ऑब्जर्वर ओवन ने इसको ऑब्जर्व किया तो इसको अपने आप को ऐसे रोटेट कराना पड़ा। बात समझ में आई, इसको अपने जो है फेस को ऐसे रोटेट कराना पड़ा, जैसे मैं यहां देख रहा हूं ऐसे रोटेट करते इधर देखा। ठीक, तो इस ऑब्जर्वर को अपने फेस को इस तरह से रोटेट कराना पड़ा, यहां से यहां लाना पड़ा। ठीक, अच्छा, ये चीज मेजर की गई। ठीक है, इसके बाद इसी ऑब्जर्वर ने इसको देखा तो ये जो है एंगल कितना मिला, थीटा टू। तो बात समझ में आई, ऑब्जर्वर ओ वन और ओ टू के हिसाब से एस वी टी एवरीथिंग रिमेन सेम, बट द एंगल रोटेट, ठीक है, बाय द ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंट, एंड दिस थिंग, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोनों के फेस का जो एंगल रोटेशन हुआ वो डिफरेंट हुआ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो जब तक अपने को थीटा वन और थीटा टू का आइडिया नहीं है, हम इस तरह के मोशन को डिफाइन कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई, अगर हम चाहते कि इन्हीं तीनों पैरा पूरे सर्कुलर मोशन को इससे रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन कर दें तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो रोटेशन वाला पार्ट है वो डिफरेंट है इनमें। तो इस तरह के मोशन को जब भी कोई भी कर्व लीनियर मोशन हो रहा हो, किसी कर्व पे मोशन हो रहा हो, ठीक है, या सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तो हमें एक और पैरामीटर यूज करना पड़ता है या काम में लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगल रोटेट। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेटा, इसको सिस्टमेटिक अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटे, एंगल रोटेट बाय पोजीशन वेक्टर इन ए गिवन टाइम, एंगल रोटेट बाय पोजीशन वेक्टर इन ए गिवन टाइम। चलिए तो इसको अपन लिख लेते हैं इसको, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को मैं समझाता हूँ। ठीक, ये तो समझ में आ गया आपने को कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एक ऐसे मोशन की स्टडी करनी है जिसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा। तो इस तरह के मोशन को समझने के लिए अपने को सबसे पहले बात करनी पड़ेगी बेटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहली डेफिनेशन आ रही है इस यूनिट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको नॉर्मली अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ गया बेटे डेफिनेशन, एंगल रोटेट बाय
पोजीशन वेक्टर इन ए गिवन टाइम से टी टाइम में ये एंगल यहाँ से यहाँ आया, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है बेटे रेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक, चलिए बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटे? ये स्केलर है या वेक्टर है, अभी आपको और समझाएंगे इसके इसके बारे में, लेकिन पहले देखते हैं मन इसकी डायरेक्शन। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटे ये। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम थीटा को ऐसे वेक्टर क्वांटिटी यूज़ करेंगे, और ज़्यादा है तो उसको हम फिर वेक्टर क्वांटिटी यूज एज्यूम नहीं करेंगे। बात करते हैं डायरेक्शन क्या होती है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ थीटा, देखो बच्चों डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? राइट हैंड थंब रूल कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखिए कि मान लेते हैं बेटे कि जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे। देखो बेटे डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ थीटा क्या होती है। देखिए कि मान लीजिए सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है लाइक दिस, तो हम क्या करते हैं बेटे, अपनी फिंगर को सेंस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में ऐसे बेंड करेंगे लाइक दिस, और थंब की डायरेक्शन देखेंगे। किसकी डायरेक्शन देखेंगे? थंब की। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? थीटा की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आई? एक बार फिर से देखें, ये सेंस ऑफ रोटेशन इस तरह का है बेटे, अगर हमने अपनी फिंगर को ऐसे रखा और थंब को देखा तो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी? थीटा की डायरेक्शन बताएगी। अगर यही सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा होता, सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे होता, ठीक है लाइक दिस, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे घुमाते हैं और इसको देखते हैं, तो ये डायरेक्शन क्या चली जाती? डाउनवर्ड चली जाती। तो बेसिकली जो थीटा होता है ये एक्सियल वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है? एक्सियल। और एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन हमेशा अपन क्या है? राइट हैंड थंब रूल। इसको कई बार कर्ल रूल भी बोलते हैं हम, कि इफ़ यू विल कर्ल द फिंगर, कर्ल का मतलब होता है रोटेट कराना, फिंगर को ऐसे घुमाना, दैट इज कॉल्ड कर्लिंग। ओके, कर्ल ऑफ फिंगर। अगर हम फिंगर को सेंस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस तरह के केस में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? ये आएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया बेटे कि डायरेक्शन हमेशा जो होगी, ये जो सर्कुलर मोशन है जिस प्लेन में हो रहा है उस प्लेन के हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और इस केस में भी क्या होगा कि जो डायरेक्शन है प्लेन के हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है, ये दोनों सिंपल है। कई बार इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान अभी तो हमने क्या माना है बेटे कि ये दोनों प्लेन जो मैंने बनाए हैं ये इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए इसी प्लेन में होते, आपको डायग्राम थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे होता और पार्टिकल इसी प्लेन में मूव कर रहा है, बोर्ड के प्लेन में, ठीक। तो हम कैसे निकालते डायरेक्शन ऑफ थीटा? ऐसे लाइक दिस, फिंगर को कर्ल किया ऐसे आउटवर्ड। तो बेटे ये जो डायरेक्शन ऑफ थीटा है वो आउटवर्ड है, और आउटवर्ड डायरेक्शन को आगे जाके भी आपको याद रखना है बेटे डॉट से रिप्रेजेंट करता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। ये आगे जब आप ट्वेल्थ की बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ना। थीटा की डायरेक्शन डॉट मतलब होता है आउटवर्ड। ये आप नोटेशन स्टैंडर्ड फिजिक्स के हिसाब से हमेशा याद रखें कि अगर कहीं डॉट बना दिया तो इसका मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए बेटे यही डायरेक्शन, देखिए ध्यान से, यही सर्कुलर मोशन इधर हो रहा होता ऐसे, इस डायरेक्शन में हो रहा होता, तो हम क्या करेंगे? फिंगर को ऐसे लेके जाएंगे, यस, फिंगर को ऐसे लेके जाएंगे, तो थंब कहाँ गया? अंदर गया। तो अंदर का मतलब डायरेक्शन इनवर्ड को हम एक और सिंबल से यूज करते हैं, वो है क्या? क्रॉस। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे? डायरेक्शन इनवर्ड। कैसी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इनवर्ड। तो एक बात हमें समझ में आ गई बेटे कि सर्कुलर मोशन में हमने एक और नया पैरामीटर यूज किया जिसको हमने बोला क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, इसकी रिपीट कर देता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर और ए पोजिशन वेक्टर इन ए गिवन टाइम एट द सेंटर। ठीक,
इसी को अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या है इसकी? रेडियन। डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जिसको अपन क्या राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, एक छोटा सा रिलेशन भी अपन लिख सकते हैं बेटे। एंगल इज इक्वल टू, जब भी कभी भी रिलेशन लिखना हो, एंगल इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं बेटे, आर्क अपॉन रेडियस। ये एक जनरल फॉर्मूला रहेगा बेटे कि रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क लेंथ कौन सी है? ये वाली, दिस द आर्क लेंथ, ओके। और ये क्या, रेडियस वेक्टर। तो थीटा इज इक्वल टू अपन आर्क अपॉन रेडियस, या एस बाय आर लिख सकते हैं, ठीक है, एस बाय आर। यहां पर एस क्या है बेटे, आर्क लेंथ है ये वाली, और एस आपको नजर आ ही रहा है, आर आपको है ही सही, क्या रेडियस वेक्टर है, ठीक है। तो एक ये छोटा सा रिजल्ट और आ गया हमारे पास, जो रिलेशन बता रहा है क्या आपने को, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस वेक्टर।